वहीं फिल्म 72 आवर्स के पोस्टर को भी रिलीज कर दिया गया। आपको बता दें कि खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे रिलीज किया। इस पर हमारे स्टेट हेड धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अविनाश ध्यानी अभिनेता निर्देशक और प्राशिल रावत प्रोड्यूसर से खास बातचीत की। साथ आज यहाँ रिलीज हुई 72 आवर्स नाम की एक फिल्म जो गढ़वाल राइफल्स के वीर जवान जसवंत सिंह रावत के नाम पे उनके जीवन पे बनी है, जिसकी पूरी शूटिंग उत्तराखंड में हुई है, जिसके सभी कलाकार ऑलमोस्ट उत्तराखंड के हैं। ये शायद पहली फिल्म होगी जो 98% जिसका सारा काम उत्तराखंड में हुआ है। इसके राइटर डायरेक्टर और एक्टर अविनाश ध्यानी हमारे साथ है इस पर बातचीत करने के लिए। कहाँ से इनको ये विषय मिला, किस तरह से इनको इनके दिमाग में आया कि इस पर फिल्म बननी चाहिए और ये कितना प्रॉफिट देगी, कितना ये मान के चलते कि ये प्रॉफिट देगी और इनका क्या अनुभव रहा है, सारे बातों को करने के लिए विस्तार से हमारे साथ अविनाश ध्यानी जी हैं। आइए पूछते अविनाश जी से उनका अनुभव। अविनाश जी, क्या अनुभव, किस तरह से आपके दिमाग में आया कि इस तरह की फिल्म बननी चाहिए और मार्केट में आनी चाहिए? सर, मेरे पिता ने मुझे इसकी कहानी सुनाई थी जसवंत सिंह रावत जी की और मुझे ये था कि ऐसी कोई कहानी कही जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिनेमा में मेरा पर्सनल व्यक्तित्व वो है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद हम लोग वो जो ट्रू स्टोरीज़ हैं, जो ग्रेट स्टोरीज़ हैं हमारे देश की, हमारे मुल्क की, उनको कहीं ना कहीं उनसे हम चूक रहे हैं। और बींग उत्तराखंडी मुझे ऐसा लगा कि ये जो कहानी है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, ये एक ऐसे अनसंग हीरो की कहानी है जो कही जानी चाहिए। और बजाय इसके कि मैं कोई टू बी वेरी फ्रैंक कोई लवेरिया फिल्म करूं, उससे बेटर ये होगा कि मैं एक ऐसे मार्टर को सामने लेके आऊं जिसने 72 घंटे जो देश के लिए लड़ा और फिर शहीद हो गया और आज भी बॉर्डर पे खड़ा है। तो मुझे इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। देखिए अविनाश जी, जो फिल्म है ये एक प्रॉफिट का सौदा माना जाता है, प्रॉफिट के लिए फिल्में बनती हैं। बॉर्डर फिल्म बनी, उसने बहुत अच्छा बिजनेस दिया, लेकिन उसके बाद LOC आई जो फ्लॉप हो गई। आप एक फिल्म मेकर हैं, चूंकि आप इसके राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं होगा कि जो पैसा लगा वो भी निकल आए। तो क्या आपको कितनी उम्मीद है कि इस तरह का जो आप कथानक लेके आए हैं, जो सत्य घटना पे आधारित है, उत्तराखंड के एक वीर जवान पे आधारित है, तो प्रॉफिट को अगर देखा जाए, जिसमें प्रॉफिट को क्या क्या भविष्य देखते हैं प्रॉफिट का? देखिए, सबसे पहला प्रॉफिट तो ये है कि जो हमारा मेरे प्रोड्यूसर और मेरा जो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो ये था कि जनमानस तक उसकी कहानी पहुंचे। और फिर जहां तक बात रही प्रॉफिट की, कि सर मेरे जो प्रोड्यूसर है वो सोल प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, कोई ऐसा बैकअप नहीं है कि कोई और फाइनेंस कर रहा है फिल्म को। और वो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि वो उनकी भावनाएं हैं उस वीर को लेके। तो आप जब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि आप एक वॉर फिल्म बना रहे हो और वॉर फिल्म बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगती है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जो अब हमारा दर्शक जो है वो बहुत सेंसिबल हो गए हैं, वो बड़े मैच्योर हो गए हैं, वो अब अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। आज इसीलिए अगर आप देखें नेटफ्लिक्स में, आप ग्लोबल कंटेंट को हमारा ऑडियंस देख रहा है, तो क्यों ना एक उस तरह की ग्लोबल कंटेंट के ऊपर हम फिल्म बनाएं। और मुझे लगता है कि राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जिन पर हमने फिल्म बनाई है 72 आवर्स, मार्टी हु नेवर डाइड, वो एक ग्लोबल कंटेंट है। आपकी एक्टिंग देखी, बहुत प्रभावी एक्टिंग आपने की है जी। तो ये आपकी पहली फिल्म है या? सर, इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी फेडरिक, 2016 में वो रिलीज़ हुई थी। और क्योंकि इस फिल्म, ये फिल्म एक रिसर्च वाली फिल्म थी, इसमें समय लगना था, तो उस बीच में कोई प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता था, तो ये मेरी दूसरी फिल्म है। अविनाश जी, ब्रेव एक्ट करना कितना मुश्किल होता है, आपका एक अनुभव होगा इस फिल्म में, क्योंकि ये फिल्म ही ब्रेवरी पे आधारित है, तो कितना, कोई ऐसा अनुभव बताइए कि आपको एक्ट करने में कोई मुश्किल आई हो, या अगर आसान रहा तो क्यों आसान रहा, कितना आसान रहा? सर, खूनी फौजी का है, मेरे पिता आर्मी में थे, ही वाज अ ब्लैक हैट कमांडो, तो तकलीफ किसी चीज़ की नहीं हुई, हमें तो बहुत मज़ा आया सर। और अच्छी बात ये थी कि इस फिल्म को बनाने के सिलसिले में हम लोग पहाड़ आए और पहाड़ों से बड़ा गहरा रिश्ता है सर, तो तकलीफ तो हो ही नहीं सकती, पहाड़ से बड़ा प्यार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जसवंत सिंह रावत भी पहाड़ के ही थे और उन्होंने 1962 के युद्ध में जो इतिहास लिखा उसको आप स्क्रीन पे ले आए हैं, आपको बहुत बधाई। एक और सवाल मेरा है कि इस परिवार, जो जसवंत सिंह का परिवार है, आपने उनमें फिल्म बनाई है, शायद उनसे बातचीत भी की होगी, बहुत सारे उनके जीवन की जानकारियां आपने ली होगी, अगर आपकी फिल्म प्रॉफिट में आती है, फिर हम प्रॉफिट पे आ गए, अगर प्रॉफिट पे आती है तो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे उनकी फैमिली के लिए? सर, हम जसवंत सिंह रावत जी का मंदिर यहाँ बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा वीर है जिसने, अगर जब मैं अरुणाचल प्रदेश गया तो वहाँ पे उनको जसवंत बाबा कहते हैं,
और एक बड़ा टेंपल उनके नाम पे बनाया गया है, तो वैसी कुछ भव्य चीज़ हम उनके लिए यहाँ बनाएं और लोगों को बताएं कि यार ये हमारा वीर था जो लड़ा था कभी हमारे लिए, अपने देश के लिए। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एक काम किया है और निश्चित रूप से आपकी जो फिल्म है ये चलनी भी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड पे बेस्ड है तो कम से कम उत्तराखंड में इसको पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्ड आना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहेंगे ऑडियंस? मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ी मेहनत से बनी फिल्म है, बहुत ही पीड़ा से बनी हुई फिल्म है। अपने वीर पीड़ा उसमें ये है कि एक वीर था इस देश का जो लड़ा था कभी हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, जिसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा, गोलियां खाते किसी ने नहीं देखा। तो मैं चाहूँगा कि जो सिनेमा मैंने बनाया है आप सबके लिए, आपसे उसकी कहानी साझा करना चाहता हूँ। 18 जनवरी 2019 को ये फिल्म आएगी, तो आप ज़रूर जाएँ थिएटर्स में और ज़रूर इस फिल्म को देखें और उस वीर को सैल्यूट करें। साधना प्लस से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमारे साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो कि बहुत ही युवा है, प्राचील रावत, ये भी हैं। इनसे भी पूछते हैं कि शायद इनका ये पहली फिल्म होगी जिसे इन्होंने प्रोड्यूस किया है और एक अत्यंत यंग एज है इनकी, तो क्या अनुभव रहा इनका इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का? प्राचील जी, पहली बात, पिक्चर बनाना कोई आसान बात नहीं है। इसमें जितनी मेहनत लगी है, आपको जैसे पता ही है वॉर मूवी में कितनी मेहनत लगती है, मगर एक ये टीम वर्क था, सब ने अपना अपना काम किया है। 4 साल से ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे अविनाश ध्यानी, और जब ये स्क्रिप्ट हमारे पास लेके आए तो क्योंकि वो वीर हीरो के बारे में मैंने भी पढ़ा था, तो मेरा भी एक वो था, विजन था कि मैं इनके साथ ये पिक्चर इतनी बड़ी बनाऊं कि सारे देशवासियों को उसके बारे में पता चले, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। प्राचील जी, देखा जाए तो कुछ जब लोग अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो कहानी हो या इस तरह की जो फिल्म है, ऐसी फिल्मों का चयन करते हैं, ऐसा कथानक चुनते हैं जिसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, जिसका मार्केट बहुत बड़ा हो, और ब्रेवरी बेस्ड फिल्मों की बात की जाए तो उसका मार्केट बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। उसके जो रिस्पॉन्स आते हैं, जैसा कि मैंने बताया बॉर्डर या LOC, देखा जाए बॉर्डर ज़रूर कुछ हद तक सफल रही लेकिन LOC एक बड़े बजट की फिल्म थी JP दत्ता की, वो फ्लॉप रही। ये सारे उदाहरण आपके सामने थे, तो फिर कैसे फैसला लिया आपने कि आप अपने करियर की जो शुरुआत है ऐसी फिल्म से करें? सर, क्योंकि एक्चुअली क्या थे, इस पिक्चर के साथ में सबकी भावना जुड़ी हुई है। पहले करियर मैंने बाद में चुना, पहले मैंने ये कहानी देखी, कहानी और कंटेंट, और आपको मैंने जैसे बताई है मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा था, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि एज एन उत्तराखंडी, एज एन इंडियन, मुझे एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा सिनेमा बनाना चाहिए, तो वो चीज़ देखते हुए मैंने ये पिक्चर बनाई है। और कोई चीज़ अभी नहीं देखी और मैं चाहता हूँ ये अच्छे से रिलीज़ हो, और जहाँ की आपकी बॉर्डर और LOC की बात है वहाँ अभी तक मैं सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ ये पिक्चर अच्छे से निकले और पूरे इंडिया में जाए। बिल्कुल प्राचील जी, आपने बहुत बेबाकी और ईमानदारी से बताया कि आपका ये पैसन थी ये फिल्म, एक तरह से देखा जाए जहाँ इसमें ना आपने करियर का ध्यान रखा ना आपने पैसे का और प्रॉफिट का, तो आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड में घर घर में जसवंत रावत मिलते हैं, तो आगे भी चल करके आप ऐसे जसवंत रावत की तलाश उत्तराखंड के पहाड़ों में करते मिलेंगे? बिल्कुल, इन पहाड़ों में तो ऐसे बहुत से वीर सैनिक हैं और उनके पास अपनी एक कहानी है, तो हमारा मेन मोटो यही है प्रोडक्शन हाउस बनाने का यहाँ पे कि हम मेन ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच पे पिक्चर बनाए, ना कि कोई एक लव वाली पिक्चर बनाए, क्योंकि हम वो 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं। एक रियलिस्टिक जो आपको कुछ सिखा के जाए उसके ऊपर हम काम करेंगे और ऐसी पिक्चर बनाते रहेंगे। बिल्कुल प्राचील जी, बहुत ही, आप जैसे युवा अगर ऐसा सोचते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है, और उत्तराखंड के ऐसे लोग जो बहादुरी में तो अपना एक प्रतीक स्थापित किया, एक प्रतिमान स्थापित किया, लेकिन वो लोगों की नज़रों में नहीं आ सके, तो आप निश्चित रूप से करेंगे। ये फिल्म पूरी हो गई है, प्रमोशनल प्रोग्राम भी शुरू हो गया और रिलीज भी हो जाएगी। अगला क्या आपका प्रोजेक्ट होगा, किस तरह का होगा, कुछ अभी आपने डिसाइड किया, कुछ सोचा इसके बारे में? नहीं, अगला अभी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि हम चाहते पहले ये पिक्चर निकल जाए, उसके बाद हमारे बहुत टाइम है, अच्छी पिक्चर बनाएंगे, भले टाइम ले मगर बनाएंगे अच्छी पिक्चर, और वो उत्तराखंड की भूमि से ही निकलेगी। चलिए, मेरी बहुत शुभकामना आपको साधना प्लस से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अविनाश ध्यानी और प्रोड्यूसर प्राचील रावत, जिन्होंने बताया कि फिल्म में प्रॉफिट से ज़्यादा उनको इस प्रदेश के बहादुर लोगों को इस नई युवा पीढ़ी के सामने, पूरे देश के सामने रखना है, जिससे प्रॉफिट कहीं पीछे चला जाए और लोग इस देश, इस प्रदेश के लिए अपना जो सर्वोत्तम होता है वो देने के लिए आगे आएँ। इस भावना को, इस इमोशन को लेकर को इस फिल्म को
अब बनाए हैं, इसको रिलीज किया और उन्होंने कहा कि करियर भी, ऐसी फिल्मों का आने वाला समय ऐसी फिल्मों का है और इसमें करियर भी बनेगा। कैमरामैन विकास शाह के साथ देहरादून से साधना प्लस के लिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह।